आप लोग का PRY मनीष यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज आप लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का चैनल। आप लोग को आज मैं बताऊंगा इसमें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का चैप्टर नंबर 2। तो चलिए चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है उसको देखिए। चैप्टर नंबर 2 का नाम है कॉमन हैंड टूल्स, सामान्य हस्त औजार, यानी इलेक्ट्रिशियन के लिए कौन कौन टूल्स होते हैं, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाते हैं, उसके बारे में आज मैं आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग को बता रहे हैं फेज टेस्टर के बारे में। फेज टेस्टर का प्रयोग कहाँ होता है? फेज टेस्टर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ सप्लाई में दिक्कत हो रहा है, कनेक्ट नहीं आ रहा है, तो वहाँ सप्लाई टेस्ट करते हैं कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका प्रयोग हम 500 वोल्ट से अधिक पे नहीं करते, 500 वोल्ट से अधिक के लिए दूसरा चीज़ आता है चेक करने के लिए। इसके अंदर एक न्यू लैंप रहता है जो कि टेस्ट करने के बाद वो जलता है तो सही है, नहीं जलता है तो सही नहीं है मेरा कनेक्शन। चलिए अब आप लोग को कॉम्बिनेशन प्लायर के बारे में बताते हैं। इसका प्रयोग वहाँ होता है जहाँ कि कहीं दो वायर को कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसके हैंड PVC का इंसुलेशन चरावा रहता है जिससे कि कहीं भी यानी कि सप्लाई आ रहा है जो तार में वहाँ भी हम कनेक्ट करें तो झटका नहीं लगता है, इसलिए उस पर इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है, PVC इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है जिससे कि कहीं भी कनेक्शन करने पर झटका महसूस नहीं। अब स्क्रू ड्राइवर है जिससे कि कोई पेंच को खोला या कसा जाता है, जिससे यानी कि नट को छोटा मोटा जो नट रहता है जिसमें स्क्रू टाइप का जो नट रहता है उसको खोलने या कसने में इसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत कार को यह प्रायः यूज में आने वाला चीज़ है, यानी इलेक्ट्रिशियन को अधिकांश जगह इसका प्रयोग आता है। और इसका साइज 12 cm से 20 cm तक रहता है, तो यानी कि 12 cm 13 cm का भी यूज होता है। 12 cm का पेचकस जो होता है उसका प्रयोग बल्ब के होल्डर उड में वायर को कसने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी तरह जो cm लंबाई बढ़ती है उसी तरह उसका यूज करने का तरीका भी बदलता है। ये अब जिमलेट के बारे में मैं बता रहा हूँ। जिमलेट वो होते हैं जिसको ग्रामीण भाषा में इसको गिरमिट बोला जाता है, जिससे कि लकड़ी उकड़ी में छिद्र करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये इलेक्ट्रिशियन यानी विद्युत कार के लिए बहुत ज़रूरी होता है, कहीं बीट उट कसने में या कहीं लकड़ी में छिद्र करने में प्रयोग किया जाता है। विद्युत कार के लिए 3 mm से लेकर 10 mm तक व्यास वाले जिमलेट प्रयोग में किए जाते हैं। अब ये साइड कटिंग प्लायर के बारे में बता रहा हूँ। इसका साइड कटिंग प्लायर इसको क्यों कहा जाता है? इसके एक साइड में धार रहता है, दूसरे साइड में कुछ नहीं रहता है, इसलिए इसको साइड कटिंग प्लायर कहा जाता है। विद्युतकार इसका उपयोग कहाँ करते हैं? विद्युतकार इसका उपयोग करते हैं वहाँ पे जहाँ की कोई भी वायर को दो भाग में बांटना हो, काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। जहाँ की दो तार को काट के दो जगह बांटने के लिए इसका प्रयोग विद्युतकार करते हैं। अब भाई आप लोग एडजस्टेबल रिंच के बारे में बताता हूँ, जिसको गांव घर की भाषा में, इसको ग्रामीण भाषा में इसको सलाई रिंच के भी बोला जाता है। और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के नोटों को खोलने एवं कसने में इसका प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिशियन इसका अधिकांश यूज वहाँ करता है जहाँ की वायरिंग कर रहा है, वहाँ पे कहीं कोई नट उट कसना हो या खोलना हो या फैन उनके का लगाना हो, उसी में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग को वायर स्ट्रिपर के बारे में बता रहा हूँ, जिससे कि वायर को यानी कि वायर का इंसुलेशन रिमूव किया जाता है। ऐसे आप छिलिएगा, बहुत सारे आदत रहते हैं हाथ से छिलने का, मुंह से छिलने का, इस तरीका से विद्युतकार को नहीं करना चाहिए। उसके लिए टूल्स आते हैं वायर स्ट्राइपर, जिसका उपयोग आपको करना चाहिए। इससे होता है क्या कि आपको कहीं चोट उट नहीं लग सकता, कोई नुकसान आपको नहीं पहुँच सकता, इसलिए इससे ही उपयोग विद्युतकार को करना चाहिए। हैमर हाथ हो रहा है, इसका उपयोग तो ऐसे आप लोग भी जानते होंगे क्या किया जाता है। इसका उपयोग जैसे कील उल ठोकने के लिए, वायरिंग तारिंग में बीट को वहाँ पे बीट में स्क्रू ठोकने के लिए, वो सब करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आदि के बीच का विद्युतकार ज्यादा वेट वाला यूज नहीं करता, 400 ग्राम 300 ग्राम वाला ही विद्युतकार इसका उपयोग करता है। ये विभिन्न प्रकार के वेट के आते हैं, ऐसा नहीं कि यही 400 ग्राम के ही आते हैं, बहुत प्रकार के वेट के आते हैं। एक चीज़ है कि नाइफ चाकू
विद्युत कार्य के लिए मुख्य औजार होते हैं चाकू की, यानी कि एक तांबा का वायर देखेंगे उस पर एक परत चढ़ा हुआ रहता है, कहीं कहीं रहता है तो उसको छिलने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ऐसे क्यों उसको छिला जाता है, क्योंकि जब कहीं कनेक्ट करने पर उसमें करंट सप्लाई नहीं आ पाता है, इसलिए वो रोकता है, इसलिए उसको थोड़ा साफ़ कर देने के बाद, छिल देने के बाद करंट आता है, इसलिए उसको छिला जाता है। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे बड़ी अच्छी तरह से जब आइए वायर का चैप्टर आएगा केबल का, उसमें ट्राई स्क्वायर इसका सीधा 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहीं भी, यानी कि हम वायरिंग घर में किया जाता है तो उस टाइम में वहाँ पे कहीं टर्न रहता है, कैसे घुमाना है, वहाँ सही मेरा लाइन सीधा है कि नहीं है, उसी को मिलान करने के लिए इसका प्रयोग किए जाते हैं। और इसे ज़्यादातर यूज इसका फिटर में यूज होता है, उसका जब कटिंग वटिंग करता है तो उसमें इसका ज़्यादातर प्रयोग आता है। इसका दूसरा नाम गुनिया भी इसको कहा जाता है। अब आइए वायर गेज, विद्युत कार को इसका वायर गेज होता है, वायर का ब्यास नापा जाता है। जैसे कि वायर का ब्यास कैसे नापा जाता है, कोई भी वायर है तो उसका ब्यास कैसे नापे हम इसके बारे में जान। वायर का जो रहता है अति इंसुलेशन उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसके बाद अंदर में जो उसका रहता तार रख रहता है उसको उसमें लगा के मापा जाता है। तो उसके बाद आपको वहाँ से निकलेगा 30 mm का तो 36 का, तो इसी तरह से जो वायरिंग में काम किया जाता है उसी का रहता है तो किया जाता है। अब आइए नोज प्लायर, नोज प्लायर क्या है, नुकीला रहता है, इसलिए वो कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, ज़्यादातर इसका विद्युत कार वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ कि वायर को मोड़ना हो, अमेठना हो, वहाँ इसका ऐठने का काम किया जाता है। विभिन्न प्रकार के आते हैं, राउंड नोज आते हैं, फ्लैट नोज आते हैं, बहुत प्रकार के आते हैं। इसका लंबा 15 cm होता है, ऐसे बहुत सारे जगह यूज किए जाते हैं इसका। अब आइए स्टील रूल, इसका साधारण सा है कि स्टील रूल आप भी जानते होंगे, स्टील रूल का क्या प्रयोग होता है, कहीं भी नापने के लिए, मार्किंग करने के लिए इसका प्रयोग आता है। कोई भी जॉब को किस अनुसार से काटना, कितना लंबाई काटना है तो छोटा मोटा लंबाई नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे बड़ा नापने के लिए और भी आते हैं, मेजरिंग टूल्स आते हैं, उसके द्वारा इसका किया जाता है प्रयोग। विद्युत कार्य के लिए अधिकांश जगह इसका यूज आता है, विद्युत कार्य इसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है जॉब की लंबाई चौड़ाई। कॉल्ड चिजल, चिजल दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल चिजल और कॉल्ड चिजल, जो कि कॉल्ड चिजल दवाल उवाल में तो चोट वोट मारने के लिए तोड़ने को लेके किया जाता है, और फॉर्मल चिजल किया जाता है लकड़ी उकड़ी में कटिंग करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए उसमें किया जाता है। तो इसका फॉर्मल चिजल कॉल्ड चिजल दोनों विद्युत कार्य के लिए उपयोगी होता है। इसका लंबाई 20 से 25 cm लंबा होता है, 15 mm चौड़ा होता है, एज वाला चौड़ा कॉल्ड चिजल। अब विद्युत कार्य ऐसे कॉल्ड चिजल का ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। फाइल जो कि देखिए फिटर को ज़्यादातर यूज आता है, वैसे कहीं भी कभी कभी बीटर कहीं फिनिश किया जाता है, यानी कि उसको लगाया जाता है कहीं कार्य को फिनिश किया जाता है, तो उस टाइम कहीं ज़्यादा बाहर इधर उधर रहता है तो उसको फाइल मार के एडजस्ट किया जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रिशियन को भी फाइल की आवश्यकता पड़ जाती है कभी कभी, इसीलिए उसको स्मूथ फाइल का ही ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। ड्रिल मशीन के बारे में जानते हैं, ड्रिल मशीन से दवाल उवाल में छिद्र किया जाता है, यानी कि कोई हार्ड वस्तु हो जहाँ कि आपको वो हैंड ड्रिल मशीन से छिद्र नहीं हो रहा है तब इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन का उपयोग। आजकल तो ज़्यादातर यानी कि हर जगह इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन का ही उपयोग किया जाता है। इसमें एक बीट लगता है जो इसका कि लंबाई ब्यास मिमी टाइप से होते हैं, वो बढ़ते घटते रहता है उसका लगा के छिद्र का ब्यास, जिससे कि छिद्र का ब्यास बड़ा छोटा होते रहता है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं आप लोग से, चैनल को।